नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। हमें आज अपनी करेंगे टॉपिक है अपना रैंकिंग अर्थात क्रम निर्धारण। तो इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपने को किस प्रकार से हल करना है, तो वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, ताकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ सके। अपने ये दो क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में हमने इससे पहले जो क्लास की थी उसके अंतर्गत जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे, तो अधिकांश विद्यार्थियों ने उनके आंसर हल करके भेजे हैं, तो अपने उन क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर आपको चेक करना है कि आपने सही आंसर किया था या नहीं किया था। इसके अलावा इससे पहले हम ये लगभग अपने 8th क्लास कर रहे हैं, 8वीं कक्षा कर रहे हैं, इससे पहले 1 से लेकर और 7 कक्षाएं अपने इससे संबंधित कर चुके हैं, तो यदि आपने वो सब नहीं देखे तो उनको भी अवश्य देख लें। उन सब कक्षाओं से आपकी परीक्षा में जो 5 दिसंबर को हो रही है परीक्षा में क्वेश्चन आपसे रूप से पूछे जाएंगे। दे रखा है संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर सेट करना है, क्रम से लगाना है कि कौन छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, इस प्रकार से। ये क्रम यहाँ से स्पष्ट हो रहा है नाम से, रैंकिंग अर्थात क्रम। तो संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है प्रतिभा से बड़ी है। ये फर्स्ट लाइन में देखिए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आपको यूज करनी है, क्या किस चिन्ह से आप सभी भली भांति परिचित हो, इसको आपने गणित में पढ़ा होगा ग्रेटर देन लेस देन के रूप में, तो अपने इसी चिन्ह को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कोई चीज आप लिख रहे हो ए और यहाँ पे लिख रहे हो बी, इसका मतलब ये ए तो बड़ा है और बी क्या है, छोटा। जिस तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, जिस तरफ मुंह बंद हो रहा है वो छोटा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ताकि अपने इसका यूज करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सके। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, तो कविता बड़ी हो जाएगी, संगीता हो जाएगी छोटी। दोबारा पढ़िए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कविता संगीता है जो कविता की छोटी बहन है, इसका मतलब कविता बड़ी हो जाएगी, संगीता हो जाएगी छोटी। अपने इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से यहां पे क्या लिखेंगे, संगीता, क्योंकि उसने कहा है कि संगीता वो कविता की छोटी बहन है, संगीता कविता की छोटी बहन है, तो कविता और ये संगीता, इधर मुंह खुल रहा है इसका मतलब कविता बड़ी है और संगीता क्या है, छोटी है। फिर उसने कहा है छोटी बहन है प्रतिभा से बड़ी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है, संगीता जो कि, अब ये जो कि लगा है ना इसके साथ, तो ये इसका संबंध इससे बता रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। जहां पे भी आपको जो या जो कि दिख जाए तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि जो उसके पास में उससे संबंधित वो बात नहीं कर रहा है, उससे आगे कौन है उससे संबंधित बात कर रहा है। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत काम की चीज है, जो लग जाए या फिर आ जाए जो कि, जहां पे भी ये लगा हुआ है तो आपको ये समझना है कि जिससे संबंधित वो बात कर रहा है उसके पास में कौन है, कविता, लेकिन ये इससे ये लग गया इसका मतलब ये इससे संबंधित बात नहीं कर रहा, इससे संबंधित इसकी बात हो रही है। तो अब संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है प्रतिभा से बड़ी है, कौन बड़ी है, संगीता किससे बड़ी है, प्रतिभा से, तो ये लीजिए प्रतिभा, प्रतिभा को कर दिया बड़ा, ये लाइन अपनी पूरी खत्म होगी। फिर अगली लाइन में सुनूंगा, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, अब यहां पे तो सविता आई नहीं, ये एक नई लाइन शुरू होगी, तो अपने इसको एक बार छोड़ देते हैं, अपने इसको शुरू करते हैं। इसने बोला सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, अब सुनीता किससे छोटी है, सविता से, तो अपने लिखेंगे सविता, और छोटी किससे है, सुनीता से। फिर आगे लिखा है सुनीता जो कि सविता से छोटी है कविता से बड़ी है, अब जो कि लग जाए इसके साथ में, तो जो कि का मतलब ये इससे संबंधित बात नहीं करेगा, ये सुनीता है वो इससे संबंधित बात करेगी, आपको इसको छोड़ना है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन होता है ये, इसके बाद में ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, तो इससे संबंधित बात कर रहा है, तो सुनीता और कविता की बात हो रही है। इसने बोला सुनीता जो कि सविता से छोटी है कविता से बड़ी है, तो सुनीता किससे बड़ी हो जाएगी, कविता से, तो ये लीजिए इसको बड़ा कर दिया और छोटा कौन हो जाएगा, कविता। अब अपने पास ये क्वेश्चन कविता से बड़ी है, उसने बोला इनमें से सबसे छोटा कौन है या छोटी कौन है,
अपने पास दो इक्वेशन बनगी, दो समीकरण बनगी, एक तो ये बनगी और एक ये बनगी, लेकिन अभी अपने को पता नहीं चला कि कौन छोटा है और कौन है बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे कविता का शुरू में आ रहा है, पहला पहला स्थान है, और यहाँ पे कविता का आ रही है लास्ट में आ रही है। इसका मतलब इस सीरीज को मैं इसी आगे रख दूं, क्योंकि कविता दोनों में कॉमन आ रही है, और जहां से कॉमन आ रही है उस सीरीज को अपने वहीं से जोड़ना है। तो अपने इस पूरे को यहां से हटा के और मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि कविता तो यहां ऑलरेडी आई हुई है, तो कविता के बारे में ये लिख देता हूं, सुनीता। सुनीता और उसके पहले क्या है, सविता, ये लीजिए। और इसको पूरे को मैं हटा देता हूं, क्योंकि कविता मैंने यहां था उसको कॉमन ले लिया, और उसके बाद में आगे वाली चीज उसको मैंने आगे रख दिया। तो ये इन दोनों को जोड़ के मैंने एक समीकरण बना दिया, और अपना प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। अपने से पूछा था सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, प्रतिभा, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर वो यही से अपने पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, सविता, क्योंकि यहां पे देखो मुंह खुल रहा है और सबसे आगे ही आगे, मुंह बंद हो रहा है और सबसे पीछे पीछे छोटी प्रतिभा, सबसे बड़ी सविता। अगर अपने जो पूछ ले कि यहाँ पे दो जो पांच लड़के हैं इनके बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, कविता। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, तो कविता ये ही बड़ी, ये संगीता छोटी। फिर इसमें बोला है प्रतिभा से बड़ी है, जो कि लगा है तो संगीता, और किससे बड़ी है, प्रतिभा से, तो प्रतिभा छोटी, संगीता बड़ी। अगली लाइन में उसने बोला सविता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता ये रहे, जो कि सविता से छोटी है, तो सविता बड़ी, सुनीता छोटी। फिर उसने बोला सुनीता जो कि सविता से छोटी है, कविता से बड़ी है, तो ये सुनीता बड़ी होगी कविता से। और अब ये दोनों इक्वेशन जुड़ गई है, क्योंकि कविता दोनों में कॉमन आ गई, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, जहां पे भी कॉमन कोई चीज है उन दोनों को जोड़ दो। ये लीजिए पूरा क्वेश्चन आपको हल हो गया। तो अपने से जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर है। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इतना कठिन नहीं आएगा, उसमें आपको दो से तीन टर्म देगा। इसमें तो देखिए एक दो तीन चार पांच लड़कियों के बारे में क्रम से पूछा है, वो एग्जाम में आपको तीन से चार, बस ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, छोटा सा क्वेश्चन देगा। अगर आपने कठिन क्वेश्चन पहले कर रखा है तो आपको सिंपल क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को स्लो मोशन में धीरे धीरे आप आराम से समझें, और फिर आप एक बार इसको फिर से देखें तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पांच व्यक्ति जिसमें डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए और सी है वो ए और बी। क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि एक एक चीज आपकी सही से जाए। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया तो आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। तो सी ए और बी के बीच में है तो मध्य में कौन है, ये आंसर बताना है। ये पूरा क्रम सेट होने के बाद में बीच में कौन आएगा, तो इसको बनाते हैं अपने। पांच व्यक्ति है जिसमें डी ए से आगे है, तो डी इसको मैं आगे का मतलब इसको मैं बड़ा रख लेता हूँ, या फिर इस प्रकार से अपने तीर लगा के देख लेते हैं, ये इसे आगे, डी ए से आगे है। फिर उसने बोला ई बी का अनुसरण, तो साइंस में कई बार आपने पढ़ा होगा कि ये चीज इसका अनुसरण करती है, अनुसरण का मतलब उसके पीछे, सामने वाला जैसे कर रहा है उसके पीछे वैसा करना या उसके पीछे चलना, सीधा सा मतलब ये होता है अनुसरण का, पीछे। तो ई बी का अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब बी का, इसका मतलब बी आगे है और ई का है उसके पीछे। अभी इन दोनों में कोई संबंध नहीं पड़ा इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया। फिर उसने बोला सी ए और बी के बीच में है, सी है वो ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां पे अगर मैं बी लिख दूं तो सी कहां आएगा, इनके बीच में, इसने यही बोला सी ए और बी के बीच में, तो इसका क्रम कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, और बी से बी के पीछे कौन है, ई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा देखिए, डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण यानी कि ई है वो बी के पीछे है, ये बी आगे है। फिर उसने बोला सी, कोमा लगा, इसका मतलब बात रोकनी है अपने, सी
ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, तो इस प्रकार से अपने क्रम लेके चल रहे थे इसी प्रकार लगाएंगे। तो ये बीच में हो गया, ये बी सेट हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। अब उसने पूछा कि तू मध्य में कौन है, यानी कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना आंसर। इस प्रकार से सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं अपनी पिछली कक्षा का होमवर्क, और जिन विद्यार्थियों ने इन क्वेश्चनों के आंसर किए हैं बहुत अच्छी बात है, और आप अपने आंसर का मिलान भी कर लें कि आपने सही किया था या गलत किया था। तो देखिए यहाँ पे अपने मैंने इधर लगाया, इसका मतलब यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, और नीचे लगाया इसका मतलब यहाँ पे जल प्रतिबिंब निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा दो मेथड बताए थे। पहला मेथड तो ये बताया था कि जो चीज दर्पण के नजदीक है उसको नजदीक रखेंगे, जो साइड उसके नजदीक है उसको नजदीक, और दूसरा ये बताया था कि अपने को ऑप्शन में ऐसे ऐसे उत्तर को ढूंढना है जिसको जो मूल चित्र दे रखा है उस पर अगर अपने रखें तो वो सही से फिट आ जाए उस पर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी थी इसके अंदर। तो अब अपने इसको हल करेंगे, तो देखिए नजदीक कौन सी साइड है, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये नजदीक हो जाएगा ये वाला। अब इसको वापिस ऐसे करेंगे तो इस पर सेट आ जाएगा। फिर ये साइड अपने इस प्रकार से है ऐसे, इस प्रकार से, तो ये नजदीक थी इस प्रकार से, ये नजदीक। फिर पी वाला साइड इस प्रकार से नजदीक था, और ओ का तो चाहे आप जल प्रतिबिंब बना लो और चाहे दर्पण प्रतिबिंब बना लो सेम ही बनेगा वो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आर का सेम रहेगा वही, इस प्रकार से पी वही चीज वापिस। तो ये क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर आए हुए हैं, वही मैं आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, और अभी भी आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन में आपको देखना है और थोड़ा सा आपको सोचना है और टिक कर देना आंसर। फिर अपने बात करें जो थोड़े से टफ क्वेश्चन जो वर्ड आते हैं उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, जैसे सिंपल आगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जैसे ओ आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए, ए आ जाए, यू आ जाए, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। थोड़ी सी टफ लेवल का आ जाए उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपनी कुछ जल प्रतिबिंब की बात करें, डी की बात करें, तो डी तो इसमें भी वही मेथड, नजदीक है उसको नजदीक, और उसमें वापिस सेट करें तो उस पर आना चाहिए वो। छह की बात करें तो छह देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये लीजिए, इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर ऐसे। जेड की बात करें तो जेड ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे, इसको अगर ऐसे कर दें तो ऊपर सेट हो जाएगा। एफ की बात करें तो एफ इस प्रकार से, ये लीजिए ऐसे हो जाएगा ऊपर। चार की बात करें तो चार देखिए इस प्रकार से, ये वाली साइड दूर है, इसको मतलब इसको भी अपने ऐसे दूर रखना है, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आप ऑप्शन में मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका और इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है कि आपको बनाना कैसे है। एग्जाम में आपको बस ऑप्शन में यही चीज देखनी है कि आपका कौन सा आंसर इसे बन रहा है, उसको आपको टिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अपनी जो टॉपिक चल रहा था रैंकिंग, इस पे आधारित एक और क्वेश्चन करेंगे, और फिर आपको आज के लिए जो होमवर्क है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उसको हल कीजिए, आंसर अपने अवश्य रूप से दे। लेकिन डी से छोटा है, सबसे बड़ा कोण है, तो देखिए ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से। अगली लाइन में उसने बोला बी सी से बड़ा है, ये बी है किससे बड़ा है, सी से। लेकिन अब ये लेकिन इस सी के लिए यूज हुआ है, लेकिन डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, और सी लेकिन सी से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। तो देखिए डी से छोटा है इसका मतलब अगर यहां पे रखता हूं मैं सी को और अगर यहां पे रखता हूं डी को, तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहां से सी को हटाना पड़ेगा और यहां पे क्या रखना पड़ेगा, डी को रखना पड़ेगा, और यहां पे क्या रखना पड़ेगा,
सी, तभी ये बात पूरी हो जाएगी। कैसे? बी सी से बड़ा है, ये देखिए बी तो बड़ा ही है सी से, चाहे सी को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, इसमें कुछ नहीं कहा कि जस्ट बाद में है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बोला सी बी है सी से बड़ा है, तो ये लीजिए बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन आगे लेकिन लगा के लिखा है लेकिन डी से छोटा है, तो ये सी के लिए बात हो रही है, सी है वो डी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? ए, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये अपने क्वेश्चन रैंकिंग से संबंधित, क्रम निर्धारण से संबंधित, उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चन अपने किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एग्जाम में हो सकता है इससे संबंधित एक पर्सन आए, एक से ज्यादा नहीं आएगा, कम चांस है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आए, तो इसलिए मैंने आपको दो से तीन क्वेश्चन समझा दिए हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए और एक कर लिए, करने की कोशिश की है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबाएं। इसके अलावा अभी आपको होमवर्क वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा, उसको हल करें, आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से